अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिबाना मूसा व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र और करम है जी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह की रहमत के साथ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्यारे व्यूअर्स जी, ये जो कल कपड़े सिस्टर ने वॉश किए थे, तकरीबन शाम का टाइम था, 5-6 बजे का टाइम था, और ये कपड़े वॉश किए थे और जी रात को ही उतार के ले आए थे तकरीबन 11 बजे। तो अभी जी ये प्रेस तह लगाने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उठी हुई हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो मैं खड़े खड़े जी कपड़े जो है ना इनको तह लगा दूँ, ताकि सिस्टर की कुछ हेल्प हो जाए। वो अकेली सारा दिन घर के काम वगैरह सारा कुछ अकेली ही करती रहती है। तो जी मैंने खड़े खड़े जी उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पे जी ये थोड़े से अभी कपड़े रहते हैं जो हो गए तह लगानी है, तो मैं थक गई हूँ। अब देखते हैं मूसा क्या कर रहा है। हाँ जी, तो प्यारे व्यूअर्स जी, ये कपड़े जो हैं वो तह लगाने वाले हैं। कल छोटी सिस्टर ने वॉश किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ। और ये जी बैठा हुआ है मूसा, उठ गया, नाश्ता कर लिया। तो प्यार व्यूअर से सलाम तो ले लो, पूरा सलाम लेते हैं, हाल चाल पूछो। अपना फुटबॉल तो ये देखिए जी, इसने लिया है फुटबॉल, 1000 का है। क्या रहा था? 850 का। अच्छा अच्छा, दिखाओ जरा इधर, ये देखिए जी। ये जी थोड़े से कपड़े जो मैंने तह लगा लिए हैं, अभी इनकी बारी है तह लगा के फिर आपसे शेयर करें। तो प्यारे व्यूअर, यहाँ पे जी जो कपड़े बच गए थे वो भी मैंने तह लगा लिए हैं। इस टाइम तमाम कपड़ों को तह लग गई, और मैं आज आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ। तो सबको जी मेरी तरफ़ से ईद गदीर बहुत 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 मुबारक हो। बताती चलती हूँ थोड़ा सा ईद गदीर के मतलब, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज करके मक्का में गदीर खुम के मौके पर पहुँचे, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से ये पैगाम लेकर उतरे, और अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ऐ रसूल पाक, के हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ऐ रसूल पाक अल्लाह के हुक्म को बजा लाएँ। ये ईद बहुत ही अजीम तरीन ईदों में से ईद है। ये ईद जो है ना, इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया। इस खुशी में मोमिनीन हजरात ये ईद मनाते हैं। हमारे लिए ईद बहुत बड़ी ईद है। ईद गदीर नाराए हैदरी यारी यारी यार। तो यहाँ पे भी आज हमने बांटनी है दाल और रोटी। तो यहाँ पे जी दाल जो है वो मुकम्मल तैयार हो गई है माशाल्लाह से, और तकरीबन इस टाइम रोटियाँ भी तकरीबन पक चुकी हैं। तकरीबन 60-70 रोटियाँ बनाई हैं भाभी ने, और दाल भी बनाई है। तो अभी ये हम ना बच्चों को तकसीम करेंगे, तो वो भी आपके साथ है। तो यहाँ पे जी दाल जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा है और खुशबू भी बड़ी अच्छी है। इसका मतलब है कि काफ़ी टेस्टी दाल बनी है। और चले जी अब बांटते हैं। ये लो, लाओ दो। ये ले लो, उठा लो, ये आप रोटी पकड़ लो, वो बहन तो गिरा देगी। ये लो, खैर मैं आपको करके देती हूँ। लाओ ये रोटी दो मुझे, ये रोटी दो, इसके अंदर रखो। अब पहले इसकी रोटी दे, फिर आके वो दाल ले जाना, ठीक है बहन की, फिर दाल ले जाना जब। अच्छा।